झारखंड के धनबाद में मामूली सी बात पर बवाल की खबर मिल रही है। छाताबाद इलाके में झड़प और बमबाजी की खबर है। झड़प में कई लोग जख्मी हैं। वहां पर सेक्शन 144 लागू की गई है। बैटरी चार्जर चोरी होने पर विवाद बढ़ा था और विवाद बढ़कर बवाल में तब्दील हो गया। बमबाजी हुई है, झड़प हुई है, कई लोग घायल हैं। मजबूरी में वहां पर धारा 144 प्रशासन को लागू करनी पड़ी है। यह खबर झारखंड से है। देखिए, एक छोटी सी बात पर बैटरी चार्जर चोरी होने के विवाद से बात इतनी पहुंच गई कि अब धारा 144 यानी कि 4-5 से ज्यादा लोग वहां पर एक साथ में जमा नहीं हो सकते, क्योंकि झारखंड के धनबाद में जो बवाल हुआ था उसमें बमबाजी तक हो गई। यानी कि जो एक क्रूड बॉम्ब लोकल बॉम्ब होता है वो भी, उसका भी इस्तेमाल किया गया। और इसी के चलते हुए अब ये तस्वीरें देखिए, लेटेस्ट तस्वीरें आ गई हैं। किस तरह से आपको धुएं का गुबार भी दिखाई देगा, जो कि ऐसा लगता है कि जब लोकल क्रूड बॉम्ब फेंका गया उसके वजह से ये धुआं निकला है। और दो गुटों के बीच में जो छोटी सी बात, ऐसा तस्वीरें देख के आपको बिल्कुल भी लगेगा नहीं कि एक छोटी सी बात यानी कि कोई बैटरी चार्जर चोरी होने के बाद से लेकर इस तरह से आपको सैकड़ों लोग दिखाई देंगे। 30 जून की तस्वीर है, आपको बता दें, छाताबाद इलाका धनबाद का, जहां पर झड़प हुई। आप देखिए कैसे भीड़ निकली, कैसे पत्थर फेंके गए, सड़क पर पत्थर ही बिखरे पड़े हैं पत्थरबाजी की घटना के बाद। ये 30 जून की यानी कल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। छोटी सी बात थी, बैटरी चार्जर को लेकर यह बवाल हुआ। बवाल इतना बढ़ा कि जोरदार पत्थरबाजी हुई। दो गुट आमने सामने आ गए। और हमारे संवाददाता अमित कुमार सिन्हा इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, अभी ताजा स्थिति क्या है वहां पर, क्या स्थितियां काबू में है? देखिए, अभी स्थिति जो है वो नियंत्रण में है, लेकिन जिस ढंग से ये घटना हुई है ये कहा जा सकता है कि पूरे क्षेत्र में तनाव बनी हुई है, क्योंकि एक छोटा सा मामला जिस ढंग से बड़ा होता चला गया, दोनों ओर से पत्थरबाजी हुई, बमबाजी हुई, लोगों को चोटें भी आई हैं, तो ऐसे में ये जो है वहाँ पे स्थिति एक तरह से कहेंगे नियंत्रण में तो है, लेकिन तनावपूर्ण बनी हुई है। और जिला बल भारी संख्या में वहाँ तैनात की गई है। और ये वहाँ पे SDPO ने बताया है कि जो घटना हुई है उसकी जांच की जा रही है, जो भी दोषी हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि क्षेत्र में शांति बहाल रहे उसके लिए वहाँ पे धारा 144 लगाया गया है, ताकि उपद्रवियों पर जो है नियंत्रण पाया जा सके। अमित, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है किस तरह से ये धनबाद कम और कश्मीर ज्यादा लग रहा है, जिस तरह से एक वहाँ पर बम मारे गए हैं, साथ ही साथ पत्थरबाजी। ऐसा देख के लग रहा है कि 20 से 30 मीटर का फासला है, दोनों तरफ से सैकड़ों लोग एक दूसरे पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, बम मार रहे हैं। कोई और अंडरकरंट होगा, बैटरी चार्जर के नाम से इतना बवाल नहीं हो सकता। देखिए, जिस ढंग से ये मामला अभी उभर कर सामने आया है, पुलिस तो यही कह रही है कि एक टोटो का बैटरी चार्जर चोरी हुआ था, उसी को लेकर विवाद हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने में कुछ ना कुछ विवाद रहा होगा। पूरा लगभग 1 किलोमीटर का ये पूरा दायरा है छाताबाद एरिया का, और पूरा क्षेत्र रण क्षेत्र बना हुआ था, दोनों ओर से पथरा हुए हैं। आप देख रहे हैं हम लोग विजुअल में भी कि बमबाजी जिसमें से हुई है, धुएं के गुब्बार उठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भीतर खाने कोई पुराना विवाद था, और ये जो है उभर के इस मामले में सामने आया है और इतनी बड़ी घटना हुई है। बहुत धन्यवाद आपका अमित, इन तमाम जानकारियों के लिए। पुलिस इस सारे मसले पर क्या कह रही है, आपको दिखाते हैं। देखिए, कतरास स्थित छाताबाद में आज सुबह से दो पक्षों के बीच में विवाद चल रहा था, और फिर उसके बाद एक आपस में पथराव भी हुआ, जिसके बाद हमारे द्वारा प्रयास से स्थिति को संभाल लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।